आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के टॉपिक कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे जो है कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी कि मेरे पास कोई सूचना या इन्फॉर्मेशन है, मैं वो सूचना दूसरे को पहुंचाता हूं, तो ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग मैसेज, संकेत, सूचक चिन्ह, ओपिनियन आदि का प्रयोग करते हैं। हम लोग कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को ईमेल से कर देते हैं, टेलीफोन करते हैं, मोबाइल से करते हैं, इसके अलावा पर्सनली बातचीत करके भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, कोई सिंबल या कोई सूचना से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन कौन कौन सा होता है? स्पीकिंग यानी कि बातचीत करना, सिंगिंग गाने के माध्यम से भी किसी को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई सूचना जो है दी जा सकती है, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलते हैं उसके लिए गाने का माध्यम बनाया जाता है। साइन लैंग्वेज यानी कि किसी सिंबल का प्रयोग करके, जैसे जो है रोड के किनारे जो सिंबल लगे रहते हैं, एरो का निशान बना रहता है कि मान लो ये इस जगह के लिए रास्ता जाएगा, तो वो जो है हमारा साइन लैंग्वेज हो गया। बॉडी लैंग्वेज ये भी कम्युनिकेशन का तरीका है, जैसे अगर कोई जो है थोड़ा उसका बॉडी डाउन है, हेल्थ डाउन है, तो थोड़ा उसका चेहरे से देख के पता लग जाता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज। टच यानी कि टच करके भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे लोहे की राड गर्म है, अब आप उसको टच करेंगे तभी आपको पता लग पाएगा कि ये गर्म है, तो वो भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। आई कॉन्टैक्ट यानी कि आई कॉन्टैक्ट बना के भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये हमारे बेसिक कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं, तरीके हैं। कम्युनिकेशन के प्रकार यानी कि कम्युनिकेशन कौन कौन से प्रकार का होता है, तो कम्युनिकेशन हमारा 4 प्रकार का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन होता है मतलब बोलकर किया जाने वाला, मतलब हम एक दूसरे से बातचीत करके जो कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है बिना बोले कम्युनिकेशन होना, जैसे मान लो हम रोड पे जा रहे हैं, हमें कोई चिन्ह मिला कि मान लो कि एरो का निशान कि इधर आप जाएंगे तो आप इस जगह पे पहुंचेंगे, तो ये हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब किसी से हमने पूछा नहीं लेकिन हमारा कम्युनिकेशन हो गया कि ये जगह कहाँ पर है। अगला है रिटन कम्युनिकेशन, मतलब लिखित रूप से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट बनाना, कोई मेमो बनाना, इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। विजुअल कम्युनिकेशन होता है हमारा, जैसे सिनेमा, टेलीविजन, टीवी आदि के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा विजुअल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करके कम्युनिकेशन करना, यानी कि कोई सूचना का आदान प्रदान करना। इसमें जो है हम लोग जो बातचीत करते हैं ये कम्युनिकेशन का जो है सबसे प्रभावशाली तरीका होता है, या दो प्रकार का होता है, एक होता है आपस में बातचीत करके कम्युनिकेशन करना, एक होता है पब्लिक स्पीकिंग यानी कि कोई एक बोलता है और सैकड़ों लोग सुनते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे रैलियाँ होती हैं, वो भी कम्युनिकेशन होता है। नेता अपना विजन बताता है कि हम क्या करना चाहते हैं, वो बहुत सारे लोगों को बताता है, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो जो बातचीत करके हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बातचीत करने के अलावा जो अन्य तरह से कम्युनिकेशन होता है वो आता है, जैसे स्पर्श, महक, बॉडी मोशन, आवाज़ की टोन, सिंगिंग, म्यूजिक, मूर्तिकला, चिन्ह, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, फोल्डेड आर्म, क्रॉस्ड लेग, हाथ मिलाना, धकेलना, टच करना, फेसियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट आदि, ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। यानी कि इनमें से जैसे मान लो फेसियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे को एक्सप्रेशन जो देख के हम लोग जान सकते हैं कि ये दुखी है, खुश है, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अगला प्रकार है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है शब्दों को लिखकर कम्युनिकेट करना। रिटन कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ईमेल, रिपोर्ट, आर्टिकल, मेमो, नोट, मोबाइल, इसमें आदि का प्रयोग करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जो हम चीज़ें देख के कम्युनिकेट करते हैं वो हमारा विजुअल में आता है, जैसे नक्शा, फोटोग्राफी, संकेत, डिज़ाइन, वीडियो क्लिप, टेलीविज़न आदि, ये हमारा विजुअल कम्युनिकेशन आता है। जैसे मान लो कि हम कहीं का न्यूज़ देखते हैं, हमें पता लगता है कि वहाँ पे ये दिक्कत आ गई है, तो ये हमारा होता है विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब वहाँ की बातचीत जो है, वहाँ का जो सूचना है वो हमारे पास आ गया। कम्युनिकेशन की महत्वपूर्ण बातें, मतलब कम्युनिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कम्युनिकेशन क्या होता है, ये टू वे प्रोसेस होता है, मतलब हम इधर से सूचना भेजते हैं, उधर वाले को सूचना मिलती है, उधर वाला भेजता है तो हमें मिलता है, तो ये टू वे प्रोसेस होता है।
या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कम्युनिकेशन बंद नहीं होता, हमें सूचना मिलती रहती है, सूचना आती जाती रहती है, तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक लोगों में होता है, क्योंकि आप खुद को तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता रहेगी। मैसेज भेजने के लिए हम लोग किसी चैनल या माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा कम्युनिकेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती हैं। नॉइज, भौतिक स्थिति, खराब उपकरण, भाषा, संस्कृति, संगठन, एटीट्यूड, पुरानी जानकारी, परसेप्शन, पर्सनालिटी, ये सारे हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर होते हैं। कहने का मतलब है, आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, वहां पे बहुत ही नॉइज आ रही है, तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आप मान लीजिए मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, तब भी आप जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के अवयव कौन कौन से होते हैं। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडिया या चैनल। सेंडर होता है जो मैसेज भेजता है, रिसीवर होता है जो मैसेज रिसीव करता है, मैसेज होता है जो हम भेजते हैं, जो जानकारी भेजते हैं, मीडिया या चैनल होता है जिस माध्यम से मैसेज को भेजा जाता है। सेंडर क्या काम होता है, इंटेंशन, इनकोडिंग और ट्रांसमिशन। इंटेंशन मतलब उसका मन है मैसेज भेजने का, इनकोडिंग मतलब मैसेज को व्यवस्थित करना है, उसके बाद ट्रांसमिशन मतलब है उसको भेजना है। रिसीवर क्या काम है, रिसीविंग यानी कि वो मैसेज को रिसीव करता है, डिकोडिंग यानी कि उस मैसेज को डिकोड करता है, मतलब उस मैसेज को अपने हिसाब से तोड़ता है ताकि उसको समझ में आए। उसके बाद एक्शन रिस्पॉन्डिंग, मैसेज के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है, कि मैसेज के हिसाब से उसको जवाब देता है। ये हमारे कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंटरव्यू के बारे में जानेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो हमारे वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।